गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि अपनी जो क्लास चल रही है उसमें अपने इंग्लिश जो ग्रामर चल रहा है, ग्रामर के अंदर जो अपना चैप्टर चल रहा है उसका नाम है आर्टिकल। आर्टिकल में हमने डेफिनेट इंडेफिनेट आर्टिकल के बारे में पढ़ा, उनके यूजेज पढ़े, फिर हमने डेफिनेट आर्टिकल में दे का अपन जो प्रयोग है वो पढ़ रहे हैं। तो दे के यूजेज में काफी सारे पॉइंट्स अपन ने पढ़ लिए हैं। आज जो अपना आगे का पॉइंट है वो आप राइट कीजिए, मैं आपको राइट करवा रहा हूँ। तो उसमें आप लिखना है बिफोर, यानी हम जो आज पॉइंट बना रहे हैं वो आपको अपनी नोटबुक में राइट के साथ साथ ध्यान से लेकर के समझना चाहिए, ठीक है। तो लिखो बिफोर लैंग्वेज टू रिप्रेजेंट अब देखना है यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देकर के आप लोगों को इसको समझना है कि बिफोर लैंग्वेज भाषा होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, टू रिप्रेजेंट देयर, जो रिप्रेजेंट प्रतिनिधित्व करे किसका करे, देयर स्पीकर्स और पब्लिक। तो बिफोर लैंग्वेज टू रिप्रेजेंट अपना एक पॉइंट आ गया। अब ध्यान देखो समझो बिफोर लैंग्वेज यानी भाषा से पहले करेंगे, भाषा क्या होनी चाहिए ये आप देखो, टू रिप्रेजेंट वो प्रतिनिधित्व करे, किस चीज का प्रतिनिधित्व करेगी वो, स्पीकर वक्ता का और पब्लिक, यानी वह भाषा जो अपने वक्ता और अपनी जनता दोनों का क्या करे, प्रतिनिधित्व करे, यानी दोनों के बारे में बताए। उसके लिए हम कौन से आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो जैसे अगर अपन कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे उसमें आप देखना, सबसे पहले एग्जाम्पल लिख द इंग्लिश, पहले आपको एग्जाम्पल अब देखो यहां पे द इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, अरे इंग्लिश क्या है, इंग्लिश का हिंदी मीन्स क्या होता है, जब अपन इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसका हिंदी मीन्स क्या निकालते हैं अपन, अंग्रेजी, भाषा का नाम नहीं इंग्लिश मानी अंग्रेजी, और जो अंग्रेज होते हैं उन्हें भी क्या बोलते हैं, इंग्लिश, समझ लो। तो ये जो भाषा है ना वो अपने स्पीकर का, इनको अपने कंट्री वगैरह जो है गांव की जो जनता है उसका प्रतिनिधित्व करेगी, तो उसके लिए अपन पढ़ेंगे। तो देखिए द इंग्लिश लव देयर कंट्री, वेरी मच अंग्रेज अपने देश से बहुत प्रेम करते हैं। तो यहां पर एक भाषा जो है वो अपने क्या वक्ता का और अपनी पब्लिक का क्या कर रही है, प्रतिनिधित्व कर रही है। ऐसे जैसे मान लीजिए अपन दूसरा एग्जाम्पल लिखे, तो दूसरा एग्जाम्पल आप लिखिए द फ्रेंच, फ्रेंच लोगों के बारे में बता रहा है, जो फ्रेंच का मतलब समझते ना फ्रांस, तो द फ्रेंच फ्रांसीसी लोगों के बारे में बताया जा रहा है क्या, आर वेरी ब्रेव फाइटर्स, आर वेरी ब्रेव फाइटर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फ्रेंच शब्द क्या है, अरे फ्रेंच क्या है, फ्रेंच एक भाषा है जो फ्रांस में बोली जाती है, समझ लो फ्रांस में जो भाषा बोली जाती है उसे फ्रेंच कहते हैं, ठीक है। लेकिन यही फ्रेंच शब्द जो है ना वो वहां के क्या लोग जो है, वहां की जो जनता है उसके लिए भी यूज किया जा रहा है। तो फ्रेंच आर वेरी ब्रेव फाइटर्स, फ्रांसीसी लोग जो है मतलब वहां के सैनिकों के बारे में बताया जा रहा है कि वो बहुत बहादुर सिपाही। तो ये जो दोनों वर्ड थे कौन कौन से, इंग्लिश और फ्रेंच, वो यहाँ पर अपने स्पीकर और अपने पब्लिक का रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ओके। ऐसे ही जो अपन इसका पढ़ेंगे पॉइंट नंबर सेकंड, तो सेकंड पॉइंट आप बता करके राइट कीजिएगा। सेकंड पॉइंट अगर आपको थोड़ा सा मैं बता दूं इसमें क्या चीज आएगी, बिफोर एज टेक नाउन,
देखना ध्यान से किसके पहले क्या जाएगा, बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का अर्थ तो समझते हैं आपने पढ़ा है, भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, यानी वह संज्ञा जिसे हम देख या छू नहीं सकते, केवल उसको क्या कर सकते हैं अपन, महसूस कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं अपन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, तो बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा के पहले विच आर फीचर्स, विच आर फीचर्स। अब देखो उसमें जो उसके गुण बताए, जो उसके क्या बताए, गुण या विशेषता बताए, तो देखो बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन विच आर फीचर्स ऑफ समथिंग और संबंध, तो यहां लिख दिया ऑफ समथिंग और संबंध। अब देख रहे हैं आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले, इसके पहले एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले भी अपन आर्टिकल वेर का प्रयोग करते हैं, लेकिन कब, जब उसकी विशेषता के बारे में बताए। तो इसके जैसे अपन एग्जांपल पढ़ेंगे, एग्जांपल में मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, तो आप यहां देखिए एग्जांपल लगा करके, द ब्यूटी। देखिए अब ब्यूटी शब्द जो है सुंदरता, क्या है सुंदरता, मैं यहां पे आपको पहले एग्जाम्पल लिखवाता हूं, उसके बाद द ब्यूटी ऑफ कश्मीर, पहले आप एग्जाम्पल लिख लो, द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज वर्ल्ड फेमस। अब ध्यान देखिए उसे समझना है आपको, इधर देखो द ब्यूटी, ब्यूटी मीन्स होता है सुंदरता, ओ कश्मीर, कश्मीर की इज वर्ल्ड फेमस, कश्मीर की जो सुंदरता है वो विश्व प्रसिद्ध है। ये अपने सब जानते हैं कि कश्मीर को धरती का स्वर्ग, यानी भारत का स्वर्ग या धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है, और कश्मीर की जो सुंदरता है वो पूरी विश्व, तो इसमें कौन सा वर्ड है जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वाला वर्ड है, आप इसमें थोड़ा सा ये टेली करके बताएं, ध्यान दें समझे, इसमें वो वर्ड कौन सा है जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में यहाँ पे काम में लिया गया है। तो देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वाला वर्ड जो इसमें यूज किया गया है वो कौन सा है, ब्यूटी, ब्यूटी मीन सुंदरता। अब आप क्या सुंदरता को देख सकते हो, उसे छू सकते हो, यानी कहने का मतलब जो कोई सुंदर चीज होती है उसको देख के अपना भाव लगा सकते हैं कि ये सुंदर है, उसे छू तो नहीं सकते, अरे छू सकते हो क्या, नहीं सुन सकते ना, उसको केवल महसूस कर सकते हैं, जैसे कोई बहुत अच्छी चीज होती है तो उसको अपन अच्छा ही महसूस करते हैं, कोई इंटेलिजेंट होता है तो उसकी इंटेलिजेंट जो होशियारी है, बुद्धिमानी है, उसको अपन अनुमान लगाते हैं कि बहुत इंटेलिजेंट है, उसको छूकर तो नहीं बता सकते कि कितना इंटेलिजेंट है, समझ लो। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम देख के सुन नहीं सकते, केवल उन्हें महसूस कर सकते हैं, तो इस प्रकार से जो सुंदरता ब्यूटी शब्द जो है वो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए काम लिया गया, तो इसके पहले कौन सा आर्टिकल लग गया, तो द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज वर्ल्ड फेमस। ऐसे अपन सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए इंडियंस कैन नॉट फॉरगेट, इंडियंस कैन नॉट फॉरगेट, भारतीय लोग भूल नहीं सकते। अब क्या नहीं भूल सकते, वो आप थोड़ा ध्यान देना यहां पर, इंडियंस कैन नॉट फॉरगेट, भारतीय लोग नहीं भूल सकते, तो क्या नहीं भूल सकते, द क्रूएल्टी, हम क्रूएल्टी नहीं भूल सकते, कौन सी क्रूएल्टी, यानी अत्याचार, जो अत्याचार हमारे ऊपर लोगों ने किए हैं वो, तो किसने किया हमारे ऊपर अत्याचार, ये अपन सब जानते हैं, किसने किए थे, अंग्रेज लोगों ने किए थे, तो इंडियंस कैन नॉट फॉरगेट द क्रूएल्टी ऑफ द इंग्लिश, भारतीय लोग जो हैं वो अंग्रेजों के द्वारा किए हुए अत्याचार को नहीं भूल सकते। तो इसमें जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वाला वर्ड है वो कौन सा है, क्रूएल्टी, अत्याचार, समझ लो। तो इसके पहले हमने कौन सा आर्टिकल लगा दिया, ऐसे इसमें जो ब्यूटी शब्द था उसके पहले आर्टिकल कौन सा लगा दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप उनको राइट करोगे।
अब आगे का जो पॉइंट अपन लिखने जा रहे हैं उसमें आप लिखो थर्ड नंबर लगा करके बिफोर रिलीजन। रिलीजन से आप मतलब समझते हैं धर्म। जैसे मान लीजिए कोई धर्म है, हिंदू मुस्लिम ये सब अपने क्या है, धर्म है। तो ऐसे ही बिफोर रिलीजन साथ ही साथ कम्युनिटी, यानी समुदाय है, जैसे जैन सिख ईसाई मुस्लिम हिंदू है ना, इस प्रकार से। तो जैसे समुदाय आ गया, ऐसे जैसे मान लीजिए नेशनल की आ गई, राष्ट्रीय आ गई, समझ लो। ऐसे जैसे मान लीजिए हमने राष्ट्रीयता ले ली, ठीक है। फिर साथ ही जैसे मान लीजिए यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए पॉलिटिकल पार्टीज के नाम आ गए बीजेपी कांग्रेस वगैरह जो अपन लिखते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये कुछ जो चीजें हैं इनके लिए भी अपन क्या करते हैं, आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे ध्यान देना कैसे, एग्जाम्पल्स में अपन पढ़ेंगे इसको। जैसे धर्म है रिलीजन, तो धर्म में क्या, जैसे दो एग्जाम्पल देते हैं हिंदू, ठीक है, जैसे तो मुस्लिम, ठीक है। ऐसे जैसे मान लीजिए कम्युनिटी आ गया, समुदाय देना है, जैसे जैन, समझ लो। ऐसे जैसे समाज वर्माज, ठीक है, तो जैसे द जैन्स, जैसे द गुप्ताज, या जैसे द समाज, पढ़ भी लिया था, ठीक है। ऐसे जैसे मान लीजिए नेशनलता ले रही है, नेशनलिटी ले रहे हैं, राष्ट्रीयता ले रहे हैं, तो राष्ट्रीयता में जैसे इंडियन अमेरिकन पाकिस्तान है ना, तो पाकिस्तान ही रहेगा। ऐसे देखो द इंडियन, ऐसे अमेरिका है तो द अमेरिकन, ठीक है। ऐसे जैसे मान लीजिए चाइनीज है तो द चाइनीज, ठीक है। ऐसे ही पाकिस्तान है तो पाकिस्तानी वगैरह, ठीक है। फिर जैसे पार्टी पॉलिटिकल पार्टी ले रहे हैं मान लीजिए, तो जैसे द बीजेपी। अब बीजेपी, बीजेपी क्या है अपनी एक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। तो ये जो राजनीतिक पार्टी होती है इनके नाम से पहले भी क्या लगाएंगे, द। तो जैसे द नेशनल कांग्रेस, या जैसे द कांग्रेस, ठीक है। आगे आप देखो PEC। इस प्रकार से हमने ये एग्जांपल यहां पर लिखे। ऐसे जो आगे वाला पॉइंट अपन लिखेंगे बिफोर ऑल रिलीजियस बुक्स, अगला पॉइंट आप डालिए, बिफोर ऑल रिलीजियस, बिफोर आप यहां पे एस है थोड़ा सा बोर्ड, बिफोर ऑल रिलीजियस बुक्स। सभी जो धार्मिक पुस्तकें होती है, जितनी भी अपनी धार्मिक पुस्तकें हैं, उन सब के नाम से पहले भी कौन सा आर्टिकल लगाते हैं, द आर्टिकल लगाते हैं। जैसे हम लिखेंगे यहां पर एग्जाम्पल, तो इंटरनल जैसे द रामायण, द महाभारत, ठीक है। ऐसे जैसे मान लीजिए द गीता या भगवत गीता है, तो गीता द कुरान, द बाइबिल,
होती है उन सभी रिलीजियस बुक से पहले क्या लगाते हैं द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अब एक बार राइट कर लीजिए। अगला पॉइंट आप लिख रहे हैं बिफोर नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स। ठीक है, जितने भी समाचार पत्र होते हैं न्यूज पेपर को हिंदी में बोलते हैं समाचार पत्र, तो समाचार पत्रों के नाम से पहले भी जितने भी समाचार पत्र होते हैं इन समाचार पत्रों के नाम से पहले भी अपन कौन से आर्टिकल का प्रयोग करते हैं द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो जैसे आप एग्जाम्पल लगा सकते हो, जैसे द राजस्थान पत्रिका, ठीक है, ऐसे जैसे द दैनिक भास्कर, शिखर पत्रिका, तो उसमें अभी शिखर पत्रिका नहीं होता, राजस्थान पत्रिका तो द दैनिक भास्कर, ऐसे ही जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है, ऐसे जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, आगे बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एक लिखे अपने स्टॉप कर दिया, आगे आप लिख दो काम करो, क्या लिख देना ETC। ठीक है, तो जितने भी अपने समाचार पत्र होते हैं नेम ऑफ न्यूज पेपर्स, नेम ऑफ ऑल न्यूज पेपर्स, सभी समाचार पत्रों से पहले भी हम कौन सा आर्टिकल लगाते हैं द आर्टिकल लगाते हैं। जैसे ये अपने नाम लिख लिए, अगर इसको वाक्य में हम प्रयोग करके लिखना चाहें तो एक एग्जाम्पल अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या आई रीड द हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है, आई रीड द हिंदुस्तान टाइम्स। अब इसमें अपन कर सकते हैं डेली, कि मैं रोजाना हिंदुस्तान टाइम्स समाचार पत्र पढ़ता हूं। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और अपन ने बस ऊपर भी एग्जांपल से भी लिख दिया, ऐसे आप लिख सकते हो आई रीड द राजस्थान पत्रिका डेली, समझ रहे, यानी कोई भी एग्जांपल अपन यहाँ पर लिख सकते हैं। ऐसे ही जैसे हमने समाचार पत्रों के नाम से पहले दिया आर्टिकल लगाया, ऐसे जो भी फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती है, जो भी फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है उनके नाम से पहले भी क्या लगाते हैं द आर्टिकल लगाते हैं। तो आप इसमें लिखिए बिफोर नेम्स ऑफ, या नेम्स ऑफ फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, जितनी भी अपनी फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग से मतलब समझ लो यानी जो ऐतिहासिक स्मारक अपने हिस्टोरिकल, यानी ऐतिहासिक, अरे जो हिस्टोरिकल शब्द लिखा ना अपने, तो हम बोलते हैं ऐतिहासिक और बिल्डिंग यानी भवन स्मारक से, तो ऐतिहासिक जो इमारतें हैं, जो अपने प्रसिद्ध ऐतिहासिक भवन है उनके नाम से पहले भी अपन कौन सा आर्टिकल लगाते हैं द आर्टिकल लगाते हैं। तो जैसे आप इसमें लिखिए एग्जाम्पल, जैसे द ताजमहल, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, रेड फोर्ट का मतलब क्या हो गया लाल किला, ताजमहल, ऐसे ही जो अपने हवा महल है, समझ लो कोई भी ऐसा ये जो रेट ऐतिहासिक भवन हो जो चीज में, तो जैसे था हवा महल,
और भी बहुत सारी चार मीनार समझ रहे हो, यानी बाकी जो जितने भी हिस्टोरिकल अपने बिल्डिंग्स हैं, ऐतिहासिक भवन हैं, उन सब के पहले अपन क्या लगाते हैं, द आर्टिकल लगाते हैं। तो आप उसमें आगे लिख दो ETC, ठीक है। इसी को मान लीजिए अपन वाक्य में अगर प्रयोग करके लिखना चाहें, समझ रहे हो, मान लीजिए अपन वाक्य में प्रयोग करके लिखना चाहें तो अपन ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ही हैज नॉट सीन द ताजमहल, उसने अभी तक ताजमहल नहीं देखा, समझ लो। तो जैसे आप लिखना चाहो तो लिख लो, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है, वैसे अपने ऊपर सजाना होती है, फिर भी आप एग्जांपल लिखना चाहो तो लिख लो, ही हैज नॉट सीन अब क्या नहीं देखा उसने, तो अभी लिख दो द ताजमहल, कि उसने अभी तक क्या नहीं देखा, ताजमहल नहीं देखा। तो आप एक बार आज यहां तक की क्लास राइट कर लीजिए, बाकी जो शेष बचे उनको अपन कल क्लियर करेंगे।